बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से सब मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। स्पेन में जो ईद है वो मिक्स हो गई थी, कुछ लोगों ने कल ईद कर ली थी, कुछ लोग आज इतवार वाले दिन कर रहे हैं। शायद वीडियो अपलोड करूं मैं सोमवार वाले दिन, लेकिन हफ्ते वाले दिन ईद थी असल, जो है ना हज के एक दिन बाद होती है। तो मैं तो हफ्ते वाले दिन काम पे था, यहाँ प्रदेश है इसी का नाम प्रदेश है, तो मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने। आज टाइम मिला तो आज वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जहाँ भी आप देख रहे हैं ईद मुबारक, चाहे कोई पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप में या अरब में है, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और ईद की बात करूँगा यार, जो मर्जी हो जी, मैं किसी फिरके का, किसी तंजीम का, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है ना कम से कम ईद जो होती है, ईदें किसी भी मुल्क में, वो हमें एक मुल्क में एक ईद करनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो या यूरोप। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मेरे ख्याल से एक दिन ईद होनी चाहिए। तो अभी आज इतवार वाला दिन है, तो आलू वाले पराठों का नाश्ता अल मदीना रेस्टोरेंट का, ये चिल्ली तो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आलू वाले पराठों का नाश्ता। ये जी बेकरी है अल मदीना आलू की, और ये मार्केट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, और ये अल मदीना रेस्टोरेंट है, यहाँ पर करूँगा इंशाल्लाह नाश्ता आलू वाले पराठों का। ये जी अल मदीना रेस्टोरेंट, और ये देख लें इनका मेन्यू कार्ड। कोयलों वाली मुर्गी 7,500। ये जी आगे आलू वाले पराठे, और ये साथ चटनी, और ये चाय। नाश्ता चलेगा अभी जी ईद वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह। एथों पता लगता कोकी दी चढ़ाई ईद वाले दिहाड़े जी। हैर मुबारक जी, हैर मुबारक है। एथों पता लगता है जट दी चढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है, ठीक हो? किधर फिर दे हो पे? ए सर काफियां पीन गए जे। काफियां पीन गए या बकरे खांदे हो पे? नहीं काफियां ते फिलहाल गुजारा। अच्छा जी बकरे, ठीक है। आज देखांगे ए वेख ना, ए निक्का जट के बनी है आज, मोगा बनी है। और सारे ठीक हो? जट जरा तगड़ा जवान। अच्छा जी आज किधर फिर जाना जी? नहीं नहीं मेरी गल सुनो ना, मेरी मीटिंग के बनी कि जाने? ओ मेरा दिल है जाने ना ग्राउंड बार्सिलोने क्लब दे, और फिर टुर के हमने झड़क इंजॉय कर, हमने तफरी कंपो और ट्रॉफिया शामिया तकनिया फिरने। क्यों जी लाला जी, क्यों नहीं है? स्पोर्ट्समैन बंदे हो तुसी, करम वाले हो जी, हाँ जाना चाहिए उ। ये जी मदनी ट्रेडर्स SL, ये इनका ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ, मदनी फास्ट फूड वाले। ये जी ऑफिस है माशाल्लाह, ये देखें इनका ऑफिस है, ये डायरेक्टर का है, ये देखें सर्विस यो रिवर्स हो डायरेक्टर। और डायरेक्टर कड़ा जी जड़े ऑफिस ने डायरेक्टर आंदे? डायरेक्टर का नाम है वे। अच्छा अच्छा जी माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह बहुत लंबा ऑफिस है, एडा वड्डा जनाब ऑफिस। जा पूरा मेरे ख्याल इस्तांबुल दा सीन बनाया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, भाजी साडी कल ईद गुजर गई, तुहाडी आज ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, हैर मुबारक। 6 बजे मीटिंग सारी, ईद मुबारक। हैर मुबारक, एथो पता लगदा है जलाल दी चढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? सिद्धू बार वाला, हां सिद्धू बार वाला। आज जी ईद का दिन इंजॉय हो रहा है, ईद का दूसरा दिन है, लेकिन हमारे लिए आज ईद है। क्यों आ चुकी है ये ऑफिस जिस तरह के मैंने आपको दिखाया, मैं बाहर निकला हूँ थोड़ी देर कॉल करने के लिए। तो आज पिछले टाइम इन्होंने प्रोग्राम बनाया सारे दोस्तों ने पिछले टाइम के घूमने फिरने जाना है, तो देखते हैं जहाँ ये कहेंगे हम भी उनके साथ वहाँ चले जाएँगे। यही मौज है, ये मज़े हैं बार्सिलोने के संडे वाले दिन सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। संडे का पता चलता है कि संडे है, वैसे सो के ही गुजरता है संडे। मुझे तो छुट्टी की बड़ी कदर है कि मैं 10-11 साल मैंने डोनर पे काम किया, वहाँ पर कोई छुट्टी नहीं मिलती, तो यहाँ पर छुट्टी ही छुट्टी है।
जी काजी भाई आ गए ने माशाल्लाह ईद करन साडे नाल अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जी काजी भाई, ईद मुबारक। हां जी मान साहब ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, तुहानू भी ईद मुबारक। क्यास भाई ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह ईद मुबारक जी। ईद मुबारक, की हाल? खैर मुबारक जी, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ईद करने आ गए जी। लियास भाई, काजी भाई, मलक साहब, और ठीक हो? जी लियास भाई और काजी भाई आए हैं जी, बदलो ना, तो इनके साथ थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर म्यूजिक, और पीछे नहर वाला नेचुरल माहौल, देसी माहौल। लियास भाई पीछे क्या रहा है? कौन कौन सा बोलियो नहीं याद आ रहा। हाँ जी काजी भाई, तो लियास भाई तुसी हुण रोज मसलन हर इतवार आना हुंदा है इत्थे मैच खेडण, ते मेहरबानी इत्थे शिफ्ट होते हैं इकट्ठे ही। चलो ये जी आज सोमवार वाला दिन है, ईद भी गुजार ली है, गाड़ी सारी जो है ना ये भी गाड़ी लगी हुई है, ये भी गंदी हो गई है, तो आज यहाँ पर गाड़ियाँ धोने लगी हैं। लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना में एक तरीका मुख्तलिफ है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी खुद ही डालना होता है, कोई बंदा नहीं है, मसलन वो अंदर बैठे होता है अमला जो है, और ऑनलाइन या कार्ड पे आप पे करके तो पेट्रोल खुद ही डालना है, और गाड़ियाँ भी खुद ही धोनी है। ये देखें खुद अपनी अपनी गाड़ी धो रही है, ये देखें, ये असल मुसलमानी तरीका है, लेकिन हम लोग नवाब हो चुके हैं, हम कहते हैं जी पैसे दो तो काम करवा सकता, इंजन ही गल, असल तरीका मुसलमानी है अपना काम आपू करना, इतने पेट्रोल भी आपू पाए, गड्डियाँ अपनी भी आपू धोई दी ने, अभी मैं दूंगा गाड़ी, मेरी बारी आएगी, तो ये देख ले, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए सबक है, ये इसका जो है ना ख़त्म हो गया पैसे, ये देखिए एक यूरो इसने डाला है, फिर बटन दबाएगा तो फिर काम स्टार्ट, ये देखिए ये चीज़। यहाँ जी लाइन में लगे हैं, वो मेरे जो साथ काम करते हैं वो गाड़ी अपनी धो रहे हैं, मेरी बारी अभी आएगी तो मैं खुद यहाँ पर गाड़ी धोनी है। यूरोप भाईजान ये देख लें, ये जो गोरे लोग हैं इनमें सारी टोटल जो आदतें हैं ना ये मुसलमानों वाली हैं, लेकिन हमारे अंदर मुसलमानों में जो आदतें आ गई हैं ये गोरों वाली आ गई, लेकिन हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, लेकिन इनमें ये मुसलमान नहीं है, इनमें इस्लाम नहीं है। सबसे मेन फ़र्क ये, अगर ये इस्लाम कबूल कर लें तो मेरे ख्याल से ये जो यूरोपियन हम ताना देते हैं कि ये वो फलान फलान फलान, तो ये सबसे बेहतरीन मुसलमान साबित हों अगर ये इस्लाम कबूल कर ले, मेरे ख्याल से जो इनका तरीका कार है ज़िंदगी गुजारने का, कोई किसी के साथ दा नहीं लगाना, गलत बात नहीं करनी, जो टाइम देना है उस टाइम पे आना है, तो ये चीज़ें हम उल्ट करती हैं। 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आएंगे, हर बंदे के साथ झूठ बोलना, धोखा फ्रॉड इस तरह के जो है ना मामला, तो ये इन लोगों में नहीं है मेरे ख्याल से, वारी आ गई साड़ी जो ये दो रहे शक्तिमान साहब गाड़ी, तो अभी ये जो है ना गाड़ी मैंने यहाँ पर लगाई है, और ये गाड़ी लगाई है मैंने, तो ये मशीन है, ये इसमें जो देखें जी एक यूरो डाला और उसके बाद एक नंबर को प्रेस किया, और उधर पानी मतलब साबुन वगैरह स्टार्ट हो गया, ये देखिए और आया आया जी साबुन पानी, पहले पानी आने नाल साबुन आवेगा, ये देखें जी चलानी सोचिए ना कुछ नहीं करना।
ये जी मोबाइल लिया मैंने सैमसंग 22 अल्ट्रा, ये देखें अभी डब्बा बंद है, ये दुकान है अभी, ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या साइन वगैरह वो करवा रहा है। ये देखें सैमसंग गलेक्सी S22 अल्ट्रा ये लिया जी मोबाइल, पाकिस्तान सारे मोबाइल टूट टाट गए थे, लेकिन इसमें अडाप्टर नहीं आया, मतलब केबल है, ये अडाप्टर नहीं था चार्जिंग के लिए, ये मैंने लिया है अलहदा से 15 यूरो का। ये देखिए अभी वो टड़ी टड़ी करेगा वो तो देगा अभी ये, और ये साथ सिम है, सिम मेरी गुम हो गई थी, न्यू लिया सिम मैंने, ये मोबाइल है ये भी, इनकी इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा फिर आपको दिखाऊँगा। ये जी दुकान वाला कहता है मैं अभी मोबाइल खोलता हूँ आपका, ये देखें ये स्पेनिश है, ये इसने मोबाइल खोला है अभी जो है ना डब्बा इसने खोल दिया, ये जी ये जी डब्बा इसने खोल दिया है, तो ये कलर मुझे समझ नहीं आ रही काला है या कौन सा है, बड़ा अच्छा है। ऊँची सीमा ग्रासिया से नहीं ग्रासिया, थैंक यू। इस मोबाइल की भी मैंने अनबॉक्सिंग किया करनी है, वो दुकान वाले ने आपके सामने खोल दिया था, लेकिन मैं मोबाइल दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मोबाइल है। सबसे बुरी चीज़ इस मोबाइल में मुझे ये लगी है, ये पहले पता था मुझे लेकिन फिर भी लिया, ये केबल इन्होंने साथ दिया सिर्फ चार्जिंग के लिए, ये जो अडाप्टर है ना ये इन्होंने साथ नहीं दिया, ये मैंने अलहदा से ख़रीदा है, और ये जो अडाप्टर है ये 25 वाट जो है ना चार्जिंग करता है सुपरफास्ट, लेकिन मोबाइल जो है ना 45 वाट सुपरफास्ट चार्जिंग करता है। और इसके साथ सबसे बुरी बात कि इसके हेडफोन भी नहीं है, इतना अगर आप महंगा फ़ोन बनाते हैं तो इसके साथ हेडफोन और चार्जर भी होने चाहिए, जो आईफोन पहले करता था अभी सैमसंग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी सैमसंग इज़ द बेस्ट। तो इंशाल्लाह अभी आपको हाई रेजोल्यूशन वीडियो मिलेगी, तो आपने बर्दाश्त किए हैं कम रेजोल्यूशन वाली वीडियो तो इंशाल्लाह अभी आपको हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियो मिला करेंगे इस मोबाइल से इंशाल्लाह। ये देखें जी एथ पता लगता है जट दी ते जराल दी चढ़ाई है, वेखो हर चीज़ इसने रखी हुई है यहाँ पर स्टोर में। जराल साहब इधर तक होना, एनक लाई है जी के नज़र घट आ जी सुबह सुबह का टाइम है जी, अभी मैं उठा हूँ और तैयारी की है, काम पे जा रहा हूँ, हर सुबह यही काम है, उठ के काम पे जाना होता है। तो यार यहाँ प्रदेश में काम की वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो ईद के दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी एक दो दिन लेट मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपलोड कर रहा हूँ, तो लेट ही सही, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक इंशाल्लाह जो है ना अगले इंशाल्लाह जो है ना अगली वीडियो में इस मोबाइल का रिज़ल्ट और उस मोबाइल का रिज़ल्ट दो मोबाइल से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा, तो रिज़ल्ट आपको वाजे फ़र्क नज़र आएगा। तो कम रेगुलेशन वाली वीडियो भी आपने पसंद की है, शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको हाई रेगुलेशन वाली वीडियो मिलेगी। तो अगर वीडियो लेट आए तो उसका बुरा ना मनाया करें, क्यों ईद एक दो दिन गुजर गई है, एक दो दिन हो गया, मतलब 3 दिन हो गए गुजर गए, लेकिन जारी बात है मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर सका। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।